Hey guys, this is Exotic Gaming. Welcome back to a new video. तो आज के इस वीडियो में हम एक ऑप्शन के बारे में बात करने वाले जो आप लोगों को सेटिंग पे देखने को मिल जाएगी। एडोस वाली ऑप्शन से आप लोगों की एम एंड क्रॉस ईयर प्लेसमेंट में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो मैं अभी सेटिंग्स पे आप लोगों को वो वाली ऑप्शन दिखा देता हूँ। उसके लिए आप लोग एडवांस कंट्रोल पे क्लिक करना, देन आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करना। यहाँ पे आप लोगों को हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन करके ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। तो आप में से कुछ बंदे को ये ऑप्शन का यूज पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। एडिस वाली ऑप्शन को आप लोगों को इनेबल रखनी चाहिए या डिसेबल रखनी चाहिए, एंड इस वाली ऑप्शन से आप लोगों की गेम पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं इस वाली ऑप्शन का यूज आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अभी ये वाली ऑप्शन मेरी इनेबल है, तो अभी मेरी क्रॉस ईयर ये सामने वाली बोर्ड पे है एंड इसे मैं लास्ट वाली बोर्ड पर लेकर जाऊंगा। एंड राइट साइड पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं कितना ज्यादा स्वाइप कर रहा हूँ कि मेरी एम इतनी दूर आ रही है। तो राइट पे ये जो हाईलाइटेड पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रही है ना, मैं इतनी ज्यादा ही स्वाइप कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन को तब जाकर मेरी एम जो है फर्स्ट बोर्ड से लास्ट बोर्ड तक आ रही है, बट ये मैं स्लोली कर रहा था। तो अब मैं देखो क्या करूंगा, मैं फास्ट यहाँ पे मैं स्वाइप करने वाला हूँ। तो देखो मैं उतनी ज्यादा स्वाइप किया हूँ, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते कितना ज्यादा मेरा एम यहाँ पे मूव कर गया है, जो को मैं फिर से आप लोगों को शो करूँ। तो देख सकते आप लोग मैंने उतनी स्क्रीन पे स्वाइप किया, बट मैंने थोड़ी फास्ट की थी इसलिए मेरी एम इतनी ज्यादा मूव कर गई। तो अगर आप लोग इस वाली फीचर को इनेबल रखते हो तो आप लोग स्क्रीन पे जितना ज्यादा फास्ट स्वाइप करोगे हॉरिजॉन्टली, आप लोगों की स्क्रीन उतनी ज्यादा फास्ट मूव करने वाली। अभी मैंने देखो डिसेबल कर दिया, तो अभी मैं क्या करूंगा, देखो स्लोली मैं अपनी स्क्रीन पे स्वाइप कर रहा हूँ। एंड राइट साइड स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं मुझे स्क्रीन को उतना ही स्वाइप करना पड़ा था जितना मैंने इनेबल रखा था इस वाली फीचर को। तो डिफरेंस क्या वो अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो देखो जब आप लोग इसे स्लोली स्वाइप करोगे ना, तो आप लोगों को स्क्रीन पे उतना ही ड्रैग करना पड़ेगा जितना आप लोगों की थर्ड पर्सन कैमरा सेंसिटिविटी सेट है इनेबल पे भी एंड डिसेबल पे भी। बट जब आप लोग इसे फास्ट स्वाइप करोगे इनेबल पे, तो आप लोगों की उस टाइम एडाप्टिव सेंसिटिविटी अप्लाई हो जाती है, मीन्स जो आप लोगों की ये कैमरा सेंसिटिविटी अभी सेट है ना वो मिनिमम हो जाती है एंड आप लोग मैक्सिमम जितनी फास्ट स्वाइप करोगे उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो अभी आप लोगों को ये हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन वाली फीचर समझ में आ गया होगा। आप लोग जितनी फास्ट अपनी स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली स्वाइप करोगे आप लोगों की एम उतनी फास्ट मूव होने वाली जब ये फीचर इनेबल रहेगी। एंड जब आप लोग इस वाली फीचर को डिसेबल रखोगे तो उस टाइम पे आप लोग अपनी स्क्रीन को चाहे जितनी भी फास्ट स्वाइप करो या फिर जितनी भी स्लो स्वाइप करो, आप लोगों की एम है जो वो उतनी मूव होने वाली जितनी आप लोगों की थर्ड पर्सन कैमरा सेंसिटिविटी सेट है। आप लोग काफी कंफ्यूज हो चुके होंगे कि आप लोगों को इस वाली फीचर को इनेबल रखनी चाहिए या डिसेबल रखनी चाहिए। तो देखो अगर आप लोग इसे इनेबल रखते हो या फिर डिसेबल रखते हो तो इनकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होने वाली है वो दोनों ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। देन उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लेना कि आप लोगों को क्या बेटर लगता है। तो सबसे पहले मैं इनेबल रखने की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखो अगर आप लोग नॉन जायरो प्लेयर हो या फिर आप लोग लो सेंसिटिविटी प्लेयर हो तो आप लोग इसे इनेबल रखो, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो वो कैसे बताता हूँ आप लोगों को। सबको सामने जो ये शूटिंग बोर्ड आप लोगों को देखने को मिल रही है, यहाँ पे एनिमी खड़ा है, सडनली पीछे से कोई एनिमी मेरे पे शूट करने लगता है, देन उस टाइम पे मैं अपनी एडीएस को काफी इजीली वन स्वाइप में 180 डिग्री मूव करके उस बंदे को मार सकता हूँ। एंड इसकी सेकेंड एडवांटेज ये है कि अगर आप लोगों की मोबाइल की स्क्रीन छोटी है तो उस टाइम पे आप लोगों को ये काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, मीन्स आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे ज्यादा स्वाइप नहीं करना पड़ेगा। आप थोड़ी सी फास्ट स्वाइप करोगे आप लोगों की पूरी 180 डिग्री मूव कर जाएगी, बिकॉज छोटी स्क्रीन पे उतना ज्यादा स्पेस नहीं मिलता कि आप लोग अच्छे से स्वाइप कर पाओ। तो इसलिए उस टाइम पे भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एंड अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो जब कभी भी आप लोग पैनिक सिचुएशन पे रहते हैं ना, तो उस टाइम पे आप लोगों को अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं होता, मीन्स आप लोग कभी स्क्रीन को काफी ज्यादा फास्ट स्वाइप कर देते हो या कभी काफी स्लो स्वाइप करते हो, तो उस टाइम पे अगर आप लोगों की ये वाली ऑप्शन इनेबल रहेगी ना, देन काफी चांसेस रहेंगे कि आप लोगों की एम चूकोगे एंड आप लोग सही से एम ट्रांसफर या स्विच वगैरह नहीं कर पाओगे। एंड अगर आप लोग इस वाली फीचर को डिसेबल रखते हो तो इसकी क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होने वाली है। तो अगर आप लोग जायरो प्लेयर हो देन आप लोगों को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिकॉज आप लोग जायरो से अपनी एम को स्विच वगैरह काफी इजीली कर लोगे, बट जो नॉन जायरो प्लेयर है उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि एम स्विच वो उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उतनी फास्ट नहीं कर पाएंगे एंड उनकी जो रिफ्लेक्स है वो थोड़ी स्लो हो सकती है इसके वजह। एंड इसकी सेकंड डिसएडवांटेज ये कि अगर आप लोग इसे डिसेबल रखते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को अपनी थर्ड पर्सन कैमरा सेंसिटिविटी पे मे भी चेंजेस करने पड़ सकते हैं, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन ना बाय डिफॉल्ट सारे बंदे का इनेबल होता है। एंड अगर आप लोग इसे डिसेबल कर दोगे ना,
उस टाइम पे आप लोगों की जो मसल मेमोरी बिल्ड हुई थी ना वो आप लोगों की बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी। मीन्स आप लोगों को जितना आदत है स्क्रीन को स्वाइप करने से कि आप लोगों का इतना एम मूव हो जाएगा, बट डिसेबल करने के बाद आप लोगों की एम उतनी ज्यादा मूव नहीं हो पाएगी या फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलो गाइस, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसे आप लोगों को इनेबल रखनी चाहिए या डिसेबल रखनी चाहिए, एंड मैं क्या रखता हूँ, इनेबल या डिसेबल। तो देखो मैं इनेबल रखता हूँ क्योंकि ये बाई डिफॉल्ट मेरी इनेबल थी एंड मुझे इनेबल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही एंड ऑलरेडी मेरी इस पे मसल मेमोरी अच्छी खासी बिल्ड हो चुकी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी मसल मेमोरी बिगड़ जाए, इसलिए मैं इसे इनेबल रखता हूँ। एंड आप में से काफी सारे बंदे का भी ये ऑलरेडी इनेबल होगा, तो आप लोग भी इसे चेंज मत करो, नहीं तो आप लोगों को मे बी प्रॉब्लम हो सकती। तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।